इस समय हम दक्षिणी दिल्ली के वेस्ट जोन इलाके में हैं और ये शामनगर का इलाका है और इस शामनगर इलाके में भी आज अतिक्रमण की कार्रवाई जो है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की तरफ से की जा रही है और यहां पर भी बुलडोजर जो है पहुंचा है, एक नहीं दो दो बुलडोजर यहां पर है। एक आगे की तरफ जो आप यहां सामने तस्वीरों में देख पा रहे हैं और एक पीछे की तरफ कार्रवाई कर रहा है। तो जो अतिक्रमण है जो सड़कों की तरफ बाहर की तरफ आया है, जहां पर लोगों के चलने की जगह होती है, वहां जो कुछ है उसको यहां पर ये जो है हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये बुलडोजर जो है सामने की तरफ ये अपनी कार्रवाई कर रहा है। जो लोगों ने फुटपाथ जो है उसके ऊपर कोई भी निर्माण किया, थोड़ा ऊंचा भी किया है, तो उसको यहां से हटा दिया जा रहा है। ये देखिए, ये थोड़ा सा फुटपाथ के ऊपर फ्लोरिंग जो है उसको ऊंचा कर दिया गया था, तो उसको यहां पर इस बुलडोजर के जरिए जो है जेसीबी की मशीन के इस्तेमाल से तोड़ा जा रहा है। और ये यहां से इसको तोड़ने के बाद अब ये आगे की तरफ जाएगा। तो ये आज जो है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की तरफ से ये कार्रवाई जो है इस तरफ चल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको दिखा दूं कि ये एक ट्रक जो है एमसीडी का वो भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि जो मलबा होता है उसको भी साथ ही साथ उठाया जाए। तो ये एमसीडी के ट्रक जो है वो इस तरह से जो दुकानों के बाहर जो कुछ कंस्ट्रक्शन है, फैब्रिकेशन है, उसको भी निकाल के यहाँ से ले जा रहा है। तो ये जेसीबी मशीन लेकर आज जो है कार्रवाई करने पहुंची है एमसीडी यहाँ शामनगर इलाके में, जो कि वेस्ट जोन में है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के। प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।